बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत करते हैं कोयली बेड़ा नक्सली मुठभेड़ की जांच लगातार मांग कर रही है कांग्रेस, और साथ ही पीसीसी चीफ दीपक बैज ने 7 सदस्यीय जांच टीम की गठित। पूर्व विधायक शिशुपाल सोरी के नेतृत्व में समिति का गठन हुआ है। सुरक्षा बलों की सर्चिंग के दौरान हुई थी नक्सली मुठभेड़, मुठभेड़ में 3 लोगों की मौत हो गई। तो यह बड़ी जानकारी फिलहाल उस वक्त आपको दे रहे हैं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने। 7 सदस्यीय जांच टीम भी गठित कर दी है। इसके अलावा आपको बता दें कि पूर्व विधायक शिशुपाल सोरी के नेतृत्व में समिति का गठन हुआ है, और सुरक्षा बलों के सर्चिंग के दौरान नक्सली मुठभेड़ हुई थी जिसको लेकर यह टीम गठित की गई है। मुठभेड़ में 3 लोगों की मौत हो गई थी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, समिति का गठन हुआ है, अब किस तरह से आगे की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर बस्तर इलाके का यह पूरा मामला है। कोयलीबेड़ा नक्सली मुठभेड़ में जो नक्सली हमला हुआ था, जिसमें पीसीसी चीफ है दीपक बैज, उन्होंने 7 सदस्यीय टीम बनाई है। शिशुपाल सोरी जो पूर्व विधायक है, उनके नेतृत्व में यह टीम लगातार जांच करेगी, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि 3 लोगों की कथित मुठभेड़ में जो है मौत भी हुई है। तो यह बड़ा मामला है, इस पर जो है लगातार जांच के भी निर्देश दिए गए हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज उनके द्वारा। और इस पूरी टीम में जो है पूर्व विधायक है संतराम नेताम, शंकर लाल ध्रुव उपाध्यक्ष, बीरेश ठाकुर महामंत्री शंकर ठाकुर जैसे बहुत सारे ऐसे 7 जो लोग हैं उनसे लगातार उनके द्वारा लगातार जांच की जाएगी पूरे मामले का। और लगातार 3 से 4 दिनों के अंदर जांच के बाद ये पूरी रिपोर्ट प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैज कांग्रेस से उनके सामने पेश की जाएगी। उसके बाद दीपक बैज इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल कथित मुठभेड़ में जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है, इसमें 7 सदस्यीय टीम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बनाई गई है। आज पूरे मामले की जांच अब शुरू होगी। जी नितिन, उन मुख्य बातों को भी उजागर कर दीजिए जो कांग्रेस लगातार राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है मुठभेड़ को लेकर। देखिए, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने 2 से 2.5 महीने का वक्त पूरा हो चुका है। अब देखा यह भी गया है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में है 1 से 2 अभी नक्सली अटैक हो चुके हैं, और इसमें 1-2 जवान भी अभी बीच में घायल हुए थे, 1 जवान की मृत्यु भी हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए थे। और कांग्रेस का लगातार यह आरोप रहता है कि जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है तब से नक्सली जो हमले हैं वो बढ़ गए हैं, और नक्सलियों का जो आतंक है वो बढ़ते नजर आ रहा है, लोगों की अब हत्याएं होनी शुरू हो गई हैं। तो इस प्रकार के जो है बयानबाजी का दौर भी लगातार चलता है।